आयकर विभाग ने पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में दिल्ली से जयपुर आ रहे एक युवक के पास से 4 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। उसे ये रुपए भीलवाड़ा के एक नगर परिषद पार्षद के यहां पहुंचाने थे। आईजी बीजू जॉर्ज जोसफ ने फिलहाल टेरर फंडिंग की बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि मामले में हर पहलू की पड़ताल की जा रही है, इसके लिए पार्षद और अन्य लोगों के घर सर्च जारी है। 4 करोड़ की ये रकम हवाला की भी हो सकती है। आयकर विभाग के अनुसार सूचना मिली थी कि दिल्ली से अहमदाबाद जा रही श्रीनाथ ट्रेवल्स की बस में बनवारी नाम का एक युवक अवैध रूप से 4 करोड़ रुपए लेकर जा रहा है। इसके बाद हरकत में आई आयकर विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से युवक को मनोहरपुर टोल नाके पर बस से उतार लिया। जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो 4 पैकेट में 4 करोड़ रुपए रखे हुए थे। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बनवारी को ये 4 करोड़ रुपए भीलवाड़ा के एक नगर परिषद पार्षद फैजल राउफ को देने थे। बनवारी ने अपने आप को पार्षद का कर्मचारी बताया। पूछताछ में बनवारी ने यह रकम फैजल की होना बताया, जिसके बाद इनकम टैक्स और एटीएस की टीमें भीलवाड़ा स्थित फैजल के मकान पर सर्च कर रही हैं। एटीएस की प्रारंभिक पूछताछ में बनवारी ने बताया कि फैजल राउफ और दीपक समतानी नाम के व्यक्ति के लिए काम करते हैं। हवाला कारोबारियों का एक ऑफिस दिल्ली में चांदनी चौक में भी होना बताया गया है।